दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शूरा और इमारत के मुतालिक जो इख्तिलाफ चल रहा है तबलीगी जमात में, यहाँ पर एक इश्काल होता है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं जो शूरा वाले हैं वो बगैर अमीर के शूरा चला रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि जो हजरात बगैर अमीर के शूरा चला रहे हैं गलत कर रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं। अमीर के बगैर शूरा नहीं है, उनका ये दावा है। यहीं पर मैं उस इश्काल को दूर कराऊंगा, जो है बिल्कुल दलाइल की रोशनी में आपके सामने बात रखना चाहता हूं अपनी। जैसा कि कुरान की आयत मौजूद है, फजज़ाउ मिस्लु मा क़त्ला मिनन नाम यहकुमु बिही ज़ुवा अदलिम मिनकुम। सूरह मायदा में आयत नंबर 95 खोलकर देखिए 95 पे, कि जिसका तर्जमा यह है, तो पादाश वाजिब होगी जो उस जानवर के मसावी होगी जिसको उसने कत्ल किया है, जिसका फैसला तुम में से दो मोतबर शख्स करेंगे। इस आयत में फरमाया गया है कि अहराम की हालत में शिकार करने की वजह से जो पादाश वाजिब होती है उसका फैसला दो मोतबर शख्स करेंगे। ये हुक्म किसी भी सिलसिले में एक से ज़ायद अफराद के हय्यते हाकमा होने की नजीर के लिए काफी है। फिर आगे दूसरी दलील मेरी, जैसे कि बुखारी शरीफ में मुस्तकिल बाब मौजूद है, मुस्तकिल इज़ा वज्जहा अमीरैन इला मौज़ईन, इमाम बुखारी ने मुस्तकिल बाब बांधा है, आप उसको खोल कर देखिएगा। उसकी तफसीर में फतुल बारी में देखिएगा, फतुल बारी में जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 143 फतुल बारी किताब है, खोलकर देखिए इब्न हजर की। उसमें वो फरमाते हैं कि काला इब्नुल अरबी कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्तरकहुमा फी मा वलाहुमा फकान ज़ालिका असलन फी तौलियति इस्नैन काज़ियैन मुश्तरिकैन फिल विलायति कज़ा जज़म बिही। यानी इब्न अरबी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज और हजरत मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को उन तमाम उमूर में यकसा इख्तियार दिया था जो उनके सुपुर्द किए गए थे, तो आपका ये अमल दो मुश्तरिक यकसा इख्तियार देने वाले काजियों के तकर्रुर में असल है। इब्न अरबी ने इन्हीं माने को जज्म और यकीन के साथ बयान किया है। फिर याद रखें, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हजरत अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल्लाह अलबालिगा में फरमाते हैं, लिखते हैं कि रुब्बमा तकाउल हाजतु इला इत्तिखादी इवानैन फी हाजतिन। बसा औकात, तर्जमा उसका यह है, बसा औकात एक काम के लिए दो मातहत अमीर मुकर्रर करने की जरूरत पड़ जाती है। हुज्जतुल्लाह अलबालिगा खोलकर देखिए, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 47 खोलकर देखिए। इसी तरह मैं आपको बताऊं, इससे यह पता चलता है, मालूम हुआ कि एक काम के लिए एक से ज्यादा अफराद के तकर्रुर में कोई कबात नहीं है, हुज्जतुल्लाह अलबालिगा की इबारत से पता चल रहा है। और इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जो है नवनाला मरकदहू, उनसे एक जो है सवाल किया गया था एक इस्तिफ्ता के जवाब में, लिखते हैं मुतवल्ली का फर्द वाहिद होना लाजिम नहीं, इख्तियारते तौलियत मुतअद्दद अफराद के सुपुर्द किए जा सकते हैं। किफायतुल मुफ्ती में खोलकर देखिए, किफायतुल मुफ्ती में जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 324 खोलकर देखिए। इसी तरह मैं आपको बताऊं जो अकीदे की मोतबर किताब है शरीय अकाइद में, शरीय अकाइद में अल्लामा तफ्तजानी साजुद्दीन तफ्तजानी लिखते हैं, फइन क़ील कैफ़ यसीहु जालुल इमामति शूरा बैन सुन्नति मा अन्नहु ला यजूज़ु नस्बु इमामैन फी ज़मानिन वाहिदिन कुल्ला जायज़ हुआ नसीबु इमामैन मुस्तक़िल्लैन यजिबु इताअतु कुल्लि मिन्हुमा अलल इन्फिरादि। फिर आगे चल के कुछ इबारत के बाद वो ये लिखते हैं जो मेरा असल मकसद है, फिर शूरा फल कुल भी मंजिलती इमामिन वाहिदिन, शरिया कायद में खोलकर देखिए सफा नंबर 114 पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी दलीलें मेरे पास मौजूद हैं, मैं इन दलाइल को सामने रखते हुए, उलमा इकराम की मोतबर किताबों को सामने रखते हुए आपको ये सरी अल्फाज में बता देना चाहूंगा कि जो हजरात सिर्फ सूराई निजाम से जो है तबलीगी जमात का निजाम चला रहे हैं, सिर्फ सूराई निजाम से, उनका कोई अमीर मुकर्रर नहीं होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई कबात नहीं है। एक बात बताऊं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन की वफात के बाद उन्होंने जो जो छह सूरा की जो कमेटी बनाई थी, जो छह अफराद का नाम उन्होंने जो है ऐलान कराया था सूरा के मेंबर में, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन ने उनके वफात के बाद 3 दिन तक इसी सूराई निजाम से मामला चलता रहा, कोई अमीर नहीं था,
अगर सूरा वाले गुमराह हो जाएंगे बगैर अमीर के चलाने की वजह से, तो क्या वो तीन दिन सहाबा इकराम गुमराह हो गए थे? ताज्जुब की बात है जो बगैर अमीर के सूरा चलाने वालों को कहते हैं कि बगैर अमीर के अगर सूरा चलाती हो तुम गुमराह हो, तो ऐसे शख्स पे ताज्जुब होना है कि हकीकत में वो सहाबा इकराम के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, इल्म से दूरी की वजह से इस तरह की और ऐसी बातें कर रहे हैं वो। तो बहरकैफ मसला यह है, सही बात यह है कि ये जो सूरा वाले हैं इनको अगर कोई कहता है कि तुम बगैर अमीर के गलत चला रहे हो, याद रखिएगा सूरा अमीर के बगैर ये तो चल सकता है, लेकिन अमीर बगैर सूरा के नहीं चल सकता। अमीर के लिए जरूरी है कि वो सूरा बनाए, लेकिन अगर सूरा बगैर अमीर के चले इसमें कोई कबाहत नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लामा तफ्तजानी ने शरह अकाइद में जो इबारत मैंने पढ़ के आपको सुनाई है उसका खुलासा यही था, वो ये इसी इश्काल को दूर करना चाहते थे। वो ये कहना चाहते हैं कि सूरा के जो तमाम मेंबर हैं, तमाम मेंबर की जो हय्यत है, हय्यत मजमूई है, ये एक इमाम के दर्जे में है, लिहाजा ये सूरा जो है ये खुद इमाम के जो है दर्जे में बन जाता है, खुद ये अमीर के दर्जे में आ जाता है। लिहाजा जो हजरात कहते हैं कि सूरा का अमीर नहीं है, गलत कहते हैं, बल्कि सूरा तो एक कमेटी है, फिर ये अमीर भी खुद है। सूरा को अमीर न कहना ये तुम्हारी लाइल्मी की वजह से है। याद रखें मैं मसला साफ साफ बताता हूँ, सूरा तुम्हारे लिए सूरा भी है और अमीर भी है, क्योंकि एक से ज्यादा अफराद भी एक साथ अमीर बन सकते हैं। मैंने जो दलील दी है उसका खुलासा यही है। और यहाँ पर सूरा की जो कमेटी है तमाम लोगों को एक साथ हय्यत मजमूई जो उनका है सूरा वालों का, यही अमीर का दर्जा रखता है तुम्हारे लिए। लिहाजा जो इश्काल करते हैं कहते हैं कि जो सूरा वाले आज तबलीगी जमात चला रहे हैं इनका कोई अमीर नहीं है, याद रखो इनका अमीर क्या, ये तो खुद अमीर बने हुए हैं सारे के सारे। सारे इनका जो मजमूई, इनका जो हय्यत मजमूई है यही अमीर के दर्जे में है, लिहाजा ये कहना कि इनका कोई अमीर नहीं है ये गलत बात है, क्योंकि ये सूरा भी है अमीर भी ये खुद हैं। बात समझिएगा, असल में ये इल्मी बात है, गौर फिक्र करने की बातें हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। असल में कुछ हजरात ऐसे हैं जो इल्म तो रखते नहीं है, और कुछ हजरात मुझ पे एतराज करते हैं तू तो अभी बच्चा है। भाई इल्मी बातों पे बच्चा नहीं देखा जाता है, इल्म देखा जाता है कि किसके अंदर कितनी सलाहियत है, किसके अंदर क्या है नहीं है वो देखा जाता है। बच्चा और बूढ़ा नहीं देखा जाता है कि बच्चा अगर है तो उसकी बात नहीं ली जाएगी, बच्चा और बूढ़ा यहाँ नहीं चलता है। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये था कि कुछ हजरात ऐसे हैं जो इल्म से दूरी की वजह से कुछ बहुत कुछ जानते नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा कुछ जानते हैं और वो जो है शोर मचाने लगते हैं, और सही बात को छुपाकर सही बात के इल्म न होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी वजह से वो गुमराही की तरफ लोगों को दावत देते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत का पाबंद बनाए, सही इल्म की तौफीक अता फरमाए। याद रखें कभी भी आपके अंदर अगर इल्म नहीं है तो किसी के खिलाफ मत बोलिए, खामोश रहिए, इसी में आपके लिए निजात है। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाह उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला अनोखा और लाजवाब चैनल जिसका नाम दीनी मालूमात है, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। इससे फायदा ये होगा कि हम जब भी नई वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। चैनल की हर वीडियो आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, यानी कॉपीराइट नहीं आएगी। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो ऐड लिखकर आप अपने व्हाट्सएप नंबर से दिए गए नंबर पे मैसेज करें। नीज इस दीनी मालूमात चैनल में आपको इस्लाम से मुताल्लिक हर तरह की वीडियोस मिलेंगी।